तो दोस्तों ये इंडियन मशीन है और ये आपकी चाइनीज मशीन है। मार्केट में बहुत से लोगों ने आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि कौन सी मशीन बेस्ट है और कौन सी बेस्ट नहीं है। जिस तरीके से ये आप इंडियन मॉडल देख रहे हो, काफी लोग बोलते हैं कि इंडियन मॉडल मशीन है तो ये काफी अच्छी होगी, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये काफी पुराना मॉडल है, इंडियन है तो ये अच्छी नहीं होगी। और दूसरा आपका ये चाइनीज मशीन है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये भी नई नई लॉन्च हुई है तो ये मशीन अच्छी है, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये चाइनीज मशीन है, चाइना का माल है तो ये मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ, मैं आपको इस मशीन में डेमो करके दिखाऊंगी और आप खुद बताइएगा कि आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट है। चलिए दोस्तों इस मशीन में डेमो करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे। आप ये देख सकते हो, ये आपका स्टील का जूना है, ये आपकी कटोरी है और ये आपकी डाई है। इस तरह से आपको कटोरी को रखना है, इसके ऊपर आपको स्क्रबर को रखना है और ये आपकी शीट है। इस शीट को आपको इस तरीके से रखना होगा, तो इस तरीके से मैंने शीट रख दी है। अब इसको अंदर डालते हैं, इस तरीके से इसको अंदर डालना होगा और आपको ये हैंडल पुश करना होगा। यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो 3 सेकंड में आपका ये पत्ता रेडी हो चुका है। इस तरीके से इसको रब करना होगा, रब करने के बाद आप इसकी पेस्टिंग देख सकते हो। देखिए ये पूरा पत्ता आपका 12 पीस का रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको इस दूसरी मशीन का भी डेमो करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इंडियन मॉडल का बताया, चाइनीज मॉडल है, ये लॉक मशीन होती है, उसके अंदर आपको प्रेशर देना पड़ता था, लेकिन इसमें प्रेशर नहीं देना, ये लॉक हो जाती है। आप देखिए मैं इसमें किस तरह से आपको डेमो करके दिखा रही हूँ, जिस तरह ये लॉक हो चुकी है, मतलब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये जैसे ही हटेगी इस तरीके से रफ करना होगा, रफ करने के बाद आप ये देख सकते हो ये भी पत्ता आपका रेडी हो चुका है दोस्तों। तो अब मैं इस पत्ते का और आपको इंडियन मॉडल में जो आपका पत्ता रेडी हुआ है, इन दोनों में आपको कंपैरिजन बताने वाली हूँ कि किस में किस तरीके से पेस्टिंग अच्छी हुई है और किस में रिंकल आया है और किस में दिक्कत है। तो दोस्तों आप इस पत्ते को देख सकते हो, ये मैंने इंडियन मॉडल वाली मशीन के अंदर पैक किया है। इसके अंदर आप देख सकते हो पेस्टिंग बिल्कुल अच्छी हुई है, कोई भी आपका साइड में रिंकल नहीं आया है। इसको मैं पूरी तरह से अच्छे से सुखेड़ भी देती हूँ तब भी ये पत्ता नहीं निकलता है। और इसी तरीके से आप ये चाइनीज मॉडल को देखिए, जिस तरीके से साइड में वहाँ पर आपने देखा था वो रिंकल नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका पत्ता निकल रहा है। ये देखिए पूरा पत्ता आपका निकल चुका है, साइड में आपके रिंकल्स भी आए हुए हैं, मतलब इस मशीन के अंदर आपका पत्ता, आपका पेस्टिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपने दोनों मशीनों का कंपैरिजन देख लिया होगा कि चाइनीज मशीन के अंदर आपका पेस्टिंग किस तरीके से हुआ है और ये जो हुआ है क्यों हुआ है, और आपने ये इंडियन मॉडल की जो मशीन में आपने पेस्टिंग देखी है इसमें किस तरीके से पेस्टिंग हुई है और इतनी अच्छी कैसे हुई है। तो अब मैं आपको इन्हीं दो कंपैरिजन के बारे में बताने वाली हूँ कि इस मशीन में पत्ता कैसे खराब हुआ है और इसमें पत्ता इतना अच्छा क्यों हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंडियन मशीन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। आप ये मशीन देख सकते हो, इस मशीन का जो वेट है अप्रोक्स 150 किलो इस मशीन का वेट है, प्लस में आप इसकी प्लेट देख सकते हो चाइनीज मशीन के मुकाबले इसकी प्लेट कितनी हैवी है, कितनी मोटी है। आयरन स्टील में इसकी जो प्लेट है आपकी 25 mm की प्लेट होगी, बिल्कुल सर्फिंग ग्राइंडिंग करके आपको ये मशीन दिखाई जा रही है। मतलब इस मशीन के अंदर अगर हम पेस्टिंग करते हैं तो एक बाल भी नहीं रहेगा इसके अंदर, मतलब एकदम समतल प्लेट है इसकी। आप इस तरीके से अगर इसको डाई इस तरीके से डालते हो, आप हैंडल को पुश करते हो दोस्तों, आप ये चीज देखिए, इसके अंदर आप जितना मर्जी प्रेशर डाल सकते हो, मतलब कि आपका पत्ता बहुत अच्छे से पेस्ट हो सकता है, इसमें आप जितना मर्जी प्रेशर डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं चाइनीज मशीन पे आ जाऊं, अब मैं चाइनीज मशीन के बारे में आपको बता देती हूँ। आप इस मशीन को देख सकते हो, ये लॉक मशीन है बिल्कुल, इस तरीके से आप इसकी प्लेट देख सकते हो, अंदर से बिल्कुल खोखली मशीन है, इसकी एल्यूमिनियम प्लेट है और मशीन के अंदर आप कोई वजन नहीं है। आप देखिए 20 से 25 किलो मात्र इस मशीन का वजन होगा, इस मशीन के अंदर बिल्कुल वजन नहीं है। आप जैसे कि मैंने आपको इंडियन मॉडल में दिखाया, आप जितना मर्जी प्रेशर दे सकते हो, लेकिन इस मशीन में आप बिल्कुल प्रेशर नहीं दे सकते, ये बिल्कुल लॉक हो जाती है, जिसके कारण यहीं पर रह जाती है और प्रेशर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण आपके पत्ते में साइड में रिंकल आने लगते हैं और पत्ते की पेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसे शुरू करके आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कंपनी में लेकर आए जहां पर आपको हैंड टू हैंड काफी सारी मशीन और काफी सारा रॉ मटेरियल देखने को मिल जाता है। मतलब आप कहीं और से भी अगर मशीन ले जा चुके हो और आपको वहां से रॉ मटेरियल की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो यहां से इस तरीके से आप खाली रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी मशीन में कोई दिक्कत
परेशानी आ रही है और कंपनी आपको मशीन देके भूल गई है और सो गई है, तो आप उनसे टेक्नीशियन सपोर्ट भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ नॉर्मल सा चार्जेस पे करना होगा। तो ये टेक्नीशियन सपोर्ट कैसे ले सकते हो, साथ ही साथ आपको रॉ मटेरियल की सपोर्ट कैसे मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ से कौन कौन से बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हो, कितनी पूंजी लगा के, उसकी सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंपनी से जुड़ रही है दामिनी जी, जो आपको पूरी जानकारी इस बिजनेस की देने वाली है। तो हेलो दामिनी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच मैम, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैम, आज आप हमारी वीडियो के अंदर किस तरीके के बिजनेस की बात करने वाले हैं, वो थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों, आज मैं किसी बिजनेस के बारे में आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, आज मैं आपको फ्रॉड के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, किस तरीके से मार्केट में लोगों को लूटा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है और किस तरीके से लोग फंस जाते हैं। क्या बात है, मतलब मैम फ्रॉड की जानकारी देने वाली हैं, जो लोग मतलब फ्रॉड के शिकार हो गए उन्हें सपोर्ट भी देने वाली हैं। तो दोस्तों, मतलब अगर आप फ्रॉड के शिकार हो गए तो यहाँ से सपोर्ट भी मिलने वाली है, साथ ही साथ अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप उस शुरुआत में कैसे बच सकते हैं किसी फ्रॉड कंपनी से, उसकी भी जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है। तो मैम बताइए, पहली जानकारी क्या होने वाली है? सबसे पहले मैं आपको इंडियन मशीन और चाइनीज मशीन, जो कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन मशीन ले या चाइनीज ले, लोगों ने मार्केट में लोगों को इतना ज्यादा कंफ्यूज किया हुआ है कि काफी लोग बोलते हैं कि चाइनीज मशीन आप लीजिए, अभी नया नया आया है, वो अच्छी मशीन है, और काफी लोग बोलते हैं कि इंडियन मॉडल बहुत टाइम से चल रहा है, तो इंडियन मॉडल लेकर के आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो इस चीज को लेकर के लोगों को बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं लोगों की यही कंफ्यूजन को मिटाना चाहूंगी। जी, तो बताइए मतलब किस तरीके से हम ये चाइनीज और इंडियन को लेकर मार्केट में फ्रॉड चल रहा है? देखिए दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी मशीन अच्छी है कौन सी मशीन अच्छी नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होगा। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी और फिर आप खुद ये चीज बताइएगा कि कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट है और कौन सी आपके लिए बेस्ट नहीं है। क्या बात है, तो चलिए दोस्तों एक लाइव डेमो करके देख लेते हैं इस इंडियन मॉडल मशीन और इस चाइनीज मॉडल मशीन के बारे में, और फिर आप खुद बताइएगा कि आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहे हैं जिस फ्रॉड के बारे में आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, और जब आपको ये फ्रॉड के बारे में पता चलेगा ना तो आपके मतलब बिल्कुल होश उड़ जाने वाले हैं। ये फ्रॉड है गारंटी एंड वारंटी का फ्रॉड, राइट मैम? बिल्कुल। तो मैम, ये गारंटी और वारंटी का फ्रॉड कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताइए लोगों को। मार्केट में लोगों ने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है गारंटी और वारंटी के नाम से। जिस तरीके से हमारी कंपनी में लोग विजिट करते हैं तो हम लोग उनको वारंटी देते हैं, गारंटी हम लोग नहीं देते, जबकि गारंटी अच्छी होती है लोगों की नजरों में। लोगों को लगता है कि गारंटी अच्छी है, गारंटी में आप मशीन वापस करो, आपको नई मशीन ले। बिल्कुल मैम, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है। आप अगर बिहार में रहते हो तो बिहार से दिल्ली आओगे, दिल्ली में आप मशीन लेके आओगे, आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, वहां से आप पैकिंग करवाओगे, पैकिंग करवाने के बाद आपका बिल्टी चार्जेस लगेगा, प्लस में अगर आप दूसरी मशीन लेने आओगे तो एक बार आपके माइंड में ये चीज भी आएगी कि आप आ रहे हो तो आप खुद आइए, आकर के दूसरी मशीन लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मशीन में पहले दिक्कत आ चुकी है। तो यही चीज होती है, वहां से ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, फिर आप यहाँ पे रहोगे एक दो दिन, वहां बिल्कुल का उसका चार्जेस लगेगा, आपका खाने पीने का लगेगा, फिर यहाँ पर कंपनी में आकर के आप फिर मशीन पैक करवाओगे, फिर आप फिर ट्रांसपोर्ट पे लगवाओगे, बिल्कुल पैकिंग का दोबारा चार्ज लग गया, फिर बिल्टी का चार्ज लग गया, फिर ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग गया। तो ऐसे करके आपका एक से दो नहीं, कम से कम तीन बार आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है कि आप दो बार ट्रांसपोर्ट चार्ज दे रहे हो और दो बार आपका खुद का किराया लग रहा है। पता लगा 20,000 की आपने मशीन ली और 20,000 रुपए आपने कन्वेंस में खर्च कर दिए, 20,000 रुपए कन्वेंस में, तो जितने की तो आपकी मशीन नहीं है उतने का तो आपका लॉस हो रहा है, और आपका इतना का तो आपका किराया चार्ज और आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है। तो क्या आपने मशीन लिया और क्या आपने बिजनेस किया? बिल्कुल, और इस लॉस को देखते हुए आप मशीन को लेकर नहीं आएंगे, जिसके कारण आपके साथ हो गया फ्रॉड। तो इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, गारंटी की जगह क्या लें, वो थोड़ा सा बताइए मैम। मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो विजिट करते हो तो वहां पर अगर वो लोग आपको बोलते हैं कि वो लोग आपको गारंटी बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बोलो कि आप गारंटी क्यों दे रहे हो, हमें वारंटी चाहिए। अगर आपकी कंपनी इतनी ही जेन्युइन है तो आप हमें वारंटी दीजिए, क्योंकि अगर तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है तो ऐसी तो बात है नहीं कि एक बंदा नोट गिनने के लिए बैठा हुआ है और एक सिर्फ मशीन दिखाने के लिए बैठा हुआ है। जी मैम, उनसे ये बोलिए कि वारंटी दीजिए। वारंटी देने के मतलब, वारंटी देने का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में कोई ना कोई तो टेक्नीशियन आप लोगों ने सपोर्ट दिया ही होगा ना। बिल्कुल मैम, तो वही चीज है, टेक्नीशियन सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में जाओ तो उनसे बोलिए कि टेक्नीशियन सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम बिहार में हैं तो लड़का हमारे बिहार में आए, चाहे आने जाने का कन्वेंस हमको देना पड़े, लेकिन लड़का बिहार में आए और हमारी मशीन को ठीक करके तब जाए। तो मतलब किसी भी कंपनी से अगर आप मशीन लेते हैं तो वारंटी की सपोर्ट लें, जिससे टेक्नीशियन सपोर्ट आपके घर तक पहुंचे। बिल्कुल, अगर कंपनी जानवन होगी तो उसने लड़का भी रखा होगा कि वो जाकर के टेक्नीशियन सपोर्ट देके आए। और मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग मशीन लेके फंस चुके हैं, उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो क्या उन्हें आप रॉ मटेरियल भी देने वाले, ये बात सच है?
ये बिल्कुल सच बात है, आप देख सकते हो अगर हमारी कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो एक दो रूम लेकर के तो नहीं बैठी होती। तो हमने यहाँ पर हमारा अलग से रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट भी अलग से बिठाया हुआ है, जहाँ पर कॉल अटेंड की जाती है, जो कस्टमर लेकर के मशीन फंस चुके हैं कहीं और से, उनको हम टेक्नीशियन सपोर्ट भी देते हैं। क्या बात है, उन्हें टेक्नीशियन सपोर्ट भी मिलती है। और दोस्तों देख सकते हैं रॉ मटेरियल की काफी ज्यादा भरमार है। इसके अलावा भी इनका एक और मतलब फ्लोर है जहां पर रॉ मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा ये देखिए, आप अगर कहीं और से मशीन ले चुके हैं तो इस तरीके से यहां से कंपनी से पूरी प्रॉपर सपोर्ट ले सकते हैं रॉ मटेरियल की, राइट मैम? बिल्कुल राइट। तो मैम अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये तो ही गारंटी वारंटी है रॉ मटेरियल वाले फ्रॉड की बात, एंड आप टेक्नीशियन सपोर्ट भी देने वाले हैं जिन लोगों ने मशीन कहीं और से लिए, उन्हें टेक्नीशियन सपोर्ट भी देने वाले? हम टेक्नीशियन सपोर्ट भी आपको देंगे हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ एक बंदा पैसे गिनने के लिए बिठा दिया और एक ओनर आ गया जो मशीन दिखा दिया और कस्टमर को बुला करके और भेज दिया। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लड़के भी रखे हुए हैं जो टेक्नीशियन सपोर्ट के लिए, माल डिस्पैच करने के लिए काफी बड़ा स्टाफ है, मैं वो भी आपको एक बार दिखा दूंगी जी। तो हमारी जो कंपनी है वो अगर कस्टमर से डील करती है तो प्रॉपरली डील करती है, एक बार मटेरियल नहीं देती आपको, लाइफ टाइम कंटिन्यू रॉ मटेरियल मिलेगा, आपको टेक्नीशियन सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मशीन ही नहीं रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे, क्योंकि मशीन आप एक बार लेके जाओगे लेकिन मटेरियल तो आपको कंटिन्यू चाहिए ना। बिल्कुल। अब मैम कोई अगर आपसे बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है कम पूंजी के साथ, अगर वो अपने बिजनेस को फाइनेंस कराना चाहता है तो क्या वो भी करा सकता है? बिल्कुल, हमारी कंपनी में सबसे अच्छी फैसिलिटी आपको फाइनेंस की मिलेगी। आप देखिए हमारी कंपनी में आपको जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उस मशीन पर आपको फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, जिससे आप 40-60% के बीच में डाउन पेमेंट करके मात्र 0% ब्याज दर पे आप मशीन खरीद सकते हो। क्या बात है, 0% ब्याज दर से आपको यहाँ पे मशीन्स मिलने वाली हैं। आज तक आपने फोन्स के बारे में तो बहुत सुना होगा मगर फर्स्ट टाइम आपको मशीन्स भी यहाँ पे 0% पर मिलने वाली है। साथ ही साथ अभी आपने को मैम ने दोनों मशीन्स का कंपैरिजन करके दिखाया और आपको बताया कि आपके लिए कौन सी मशीन बेस्ट है, अगर आप इस कंपनी के अलावा भी किसी अदर कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो कौन सी मशीन लें और कौन सी मशीन के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करें। और मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी मशीन्स यहाँ पे मिल जाती हैं? देखिए जिस तरह मैंने दोनों मशीनों का आपको कंपैरिजन करके बताया तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। बिल्कुल मैम, मैंने खुद अभी लाइव डेमो करके देख लिया कि आपके लिए कौन सी मशीन बेहतर है। बिल्कुल मैम। इसके अलावा मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारी कंपनी जो है एक मशीन में डील नहीं करती है, काफी मशीनों में डील करती है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो सारी की सारी आपकी स्क्रबर पैकिंग मशीन है। इसके अलावा हमारे पास डोना पत्तल की मशीन देखने को मिल जाती है आपको, हाइड्रोलिक क्रैंक में जो भी लेनी है। इसके अलावा ऊपर हमारा गोडाउन है, वहां पर बैंड सीलिंग मशीन है, बैच कोटिंग मशीन है, वेट फिलिंग मशीन है, काफी तरह की मशीनें आपको हमारी कंपनी में देखने को और लेने के लिए मिल जाएंगी। अच्छा मैम, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी यहाँ पे बात की थी कि आपने बताया था कि बहुत से लोग इस तरीके का भी फ्रॉड करते हैं कि दो बार चार के कमरे से वो अपने आपको मैन्युफैक्चरर बोल देते हैं, दो मशीन रखी रहती है, सस्ता माल दे देते हैं, सस्ती मशीनें देते हैं, बाद में मतलब उनके साथ कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है इस तरीके से? जी बिल्कुल, क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज कर दे, क्योंकि आप देखिए अगर आप किसी कंपनी में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहां से अगर आप कोई मशीन ले रहे हो तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि वो इंसान अपनी कंपनी में हैंड टू हैंड माल डिस्पैच कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली की ही बात नहीं कर रही मैं, और जगह भी होने लगा ये फ्रॉड, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एडवांस लेकर के कस्टमर को भेज देते हैं और फिर बोलते हैं कि एक हफ्ते बाद 5 दिन बाद आपकी मशीन यहाँ से डिस्पैच होगी। तो जो चीज आप वहां पर देख के गए हो वो चीज आपको नहीं दी जाती है। अच्छा। आपको क्वालिटी में कुछ ना कुछ कम करके दिया जाता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे फ्रॉड्स है मार्केट में, और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड्स है जो हम इस वीडियो के दौरान आपको नहीं बता सकते। अगर आप जानना चाहते हैं और उन फ्रॉड से अवेयर होना चाहते हैं तो दामिनी जी को कमेंट करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। बाकी दामिनी जी अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या मिलना चाहता है तो विजिट कैसे कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा एड्रेस कंफर्म कराइए। अगर आप हमारी कंपनी में जुड़ना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। ऑनलाइन जुड़ने का प्रोसेस, अगर आप हमारी कंपनी से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस है। क्या बात है, और दोस्तों मैं तो आपसे एक वो करूंगा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली फिजिकली विजिट करें यहाँ पर आके, और सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। हमें भी बहुत अच्छा लगा दामिनी जी के साथ शूट करके इतनी सारी बातें जानकर, और आपको भी अच्छा लगेगा इतनी सारी बातें करके। थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। ओके सर।